आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड स्नैक्स की एक नई रेसिपी, जिसके लिए हमने थोड़े से पुदीने के पत्ते लिए हैं। चार हरी मिर्च ली हैं हमने। तीन आलू कद्दूकस करके लिए हैं। पांच हरे प्याज लिए हैं हमने। 6 चम्मच बेसन लिया है हमने। 2 कटोरी कद्दूकस किया हुआ पेठा लिया है। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वादानुसार नमक लिया है। और अभी हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। हम इसके अंदर पानी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि पेठे और आलू में पानी होता है, तो इससे ये मिक्स हो जाएगा अच्छे तरीके से। ये हमने ब्रेड ली है और ये बैटर मिक्स कर लिया हमने। और अभी हम ब्रेड लेंगे और उसके ऊपर ये बैटर ऐसे फैला देंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। बैटर को अच्छे तरीके से ब्रेड के ऊपर लगाएं। अच्छे तरीके से इसको हमने ऊपर से फिल कर दिया और अभी इसके ऊपर एक ब्रेड लगा के रख देंगे। इस तरह हम सभी स्नैक्स बना के रेडी कर लेंगे। ये देखिए, सभी स्नैक्स हमने बना लिए हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से रेडी कर लिए हैं। अभी हमने कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल लिया है और ये 6-7 चम्मच बेसन से बैटर तैयार किया है, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और नमक डालकर। और ये ब्रेड स्लाइस हैं, इनको एक ब्रेड को 4 पीस में हमने कट कर लिया है और अभी बैटर के अंदर इनको डिप करेंगे। अच्छे तरीके से चारों तरफ से ब्रेड को बैटर में कवर कर लें और फिर आराम से डालें इसके अंदर। और इसी तरह हम सभी ब्रेड्स को डालकर बैटर के अंदर डिप कर लेंगे। बैटर से इसको पूरी तरह कवर करके और सभी को ऐसे फ्राई करेंगे। ये ब्रेड स्नैक्स बहुत ही स्वादिष्ट और सॉफ्ट बनते हैं और बहुत हेल्दी भी हैं। इनमें ज़्यादा ऑयल नहीं लगता, थोड़े से ऑयल में ही ये पक जाते हैं। यानी आप ब्रेड पकोड़ा कहें, ब्रेड स्नैक्स कहें, जो भी नाम दें।
एक तरफ से धीमी आंच पर अच्छी तरीके से पकाएं ताकि ये अंदर तक पक जाए। अभी हम दूसरे साइड इनको पलट देंगे। ऐसे करके हम सभी को पलट देंगे ताकि दूसरी साइड से भी अच्छे तरीके से पक जाए ये। और ध्यान रखना है आप आंच धीमा रखें, धीमी आंच पर ही पकाएं। ऐसे करके हम सभी पका लेंगे। ये लीजिए हमारे ब्रेड स्नैक्स बनकर बिल्कुल तैयार हैं। देखिए कितने प्यारे बने हैं। हमने टमाटो सॉस के साथ इनको सर्व किया है। एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी स्नैक्स बनते हैं।